अब लड़ाई 9 से 12 तक जाने की है जी। आपको लगता है 9 से 12 तक जल्दी पहुंच जाएगी? कोशिश पूरी रहेगी, यदि मौका मिला तो दिल्ली में जाके राहुल जी सोनिया जी के भी अगर पास हमें जाना पड़ा, मनमोहन सिंह जी के पास भी जाना पड़ा, तो वहां पे भी हम ये अपनी रिक्वेस्ट लेके जाएंगे। शुभकामनाएं आपके साथ कि आप सांसद बनके वहां तक रिक्वेस्ट लेकर जाएं, बिना सांसद बने नहीं। बिल्कुल बिना सांसद बने भी जाऊंगा, ये भी आपको आश्वस्त करता हूं, बन के जाऊंगा तो ज्यादा जोर रहेगा मेरी बात पे जी। अच्छा बताइए, जिस अनुभवहीनता के ढोल पीट रहे हैं आपके विरोधी दल के लोग, उस अनुभवहीनता को जब आप मन से अपना उद्बोधन करते हैं तो वो अनुभवहीनता नजर नहीं आती। आपका जो ज्ञान है, आपका जो वाक चातुर्य है, वो नजर आता है। लेकिन राष्ट्रीय फलक पर अगर मैं योजनाओं के बारे में बात करूं, हालांकि बहुत जल्दबाजी है ये सवाल पूछना, लेकिन राष्ट्रीय फलक पर राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में अगर मैं आपके विचारों के बारे में बात करूं तो नहीं, मैं राष्ट्रीय मुद्दों पे भी मेरे को कोई हिचक नहीं है उन पे बात करने के लिए। जो जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं वकील रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, और जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो 2G का मुद्दा हो, चाहे वो कोल गेट का मुद्दा हो, चाहे वो FDI का मुद्दा हो, कई 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 ऐसे मुद्दों में तो मैं खुद भी काफी एक्टिवली शामिल रहा हूं। मैं खाली FDI के इशू पे ये कहना चाहता था खास तौर से, क्योंकि ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भाजपा एक भ्रमित प्रचार करती है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर FDI लागू होगी तो उत्तराखंड में हमारे व्यापारी संघ का नुकसान होगा। और यदि आप देखें तो FDI की जो आज शर्तें हैं उसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि FDI उन्हीं शहरों में लागू होगी जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो। ठीक बात है। आज हमारे उत्तराखंड में ऐसा कोई भी शहर नहीं है जिसमें 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन हो। तो वॉलमार्ट हो चाहे बड़ा कोई भी स्टोर हो, वो उत्तराखंड में स्टोर नहीं खुलेगा। हमें तो उसका फायदा जो मिलेगा FDI के आने से, क्योंकि 30% जो उसमें सोर्सिंग होनी है, जो एक मैंडेटरी क्लॉज है कि भारत किसे ये लोकल सोर्सिंग होगी 30% की इन विदेशी कंपनियों द्वारा, उसमें मेरे को लगता है कि हमारी उत्तराखंड की जनता का बहुत फायदा होगा। यहां से सामान खरीदा जाएगा, यहां से किसानों से डायरेक्ट जो हमारे यहां फल पैदा होता है खरीदा जाएगा, उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे अपनी फसल के, और जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जो बाकी चीजें हैं, उनका डायरेक्ट लाभ उत्तराखंड के किसानों को और लोगों को मिलेगा। साकेत भाई, उत्तराखंड जब से राज्य बना तब से लेके अब तक उत्तराखंड में नाना प्रकार के भ्रष्टाचार जो हुए, उन्होंने उत्तराखंड की तरक्की में बहुत बड़े बड़े रोड़े अटकाए। उत्तराखंड छोटा सा प्रदेश, लोगों ने अपनी शहादत देके इस प्रदेश का निर्माण इसीलिए करवाया था कि साहब ये प्रदेश अपनी डिफरेंट भौगोलिक स्थिति के लिए एकदम अलग प्रदेश बने और इसका समुचित विकास, समग्र विकास होए। लेकिन एक के बाद एक इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए कि इस विकास का जो रास्ता है वो रुक गया, शिथिल पड़ गया, उससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और कोई ऐसे मैं आपके टीवी के माध्यम से मेरे पास कोई जादू छड़ी नहीं है मैं जिसका जवाब दूं। पर मैं ये आपको जरूर कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार से लड़ना है, और इसीलिए मैं भी अपना कार्य एक कॉरपोरेट जगत में जो अच्छा खासा काम कर रहा था छोड़ के आया हूं, और यहां के युवाओं से, यहां के लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आज हमें एक स्वच्छ और क्लीन सरकार जो चल रही है उसको एक मौका देना है, एक युवा को मौका दीजिए। क्योंकि पैसे तो मैं बहुत जीवन में कमा चुका हूं, आज आपके साथ लग के कार्य करने आया हूं, इस क्षेत्र का विकास करने आया हूं, और भ्रष्टाचार को मिटाना मेरे लिए भी एक सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा जी। असाकेत भाई, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा था कि प्रदेश की जनता से बहुत सारे वायदे होते हैं, बहुत सारी बातें प्रदेश की जनता से की जाती हैं चुनाव के वक्त, लेकिन जनता को शिकायत इसी बात की रह जाती है कि साहब जो भी नेता हैं वो चुनाव के बाद चाहे जीते चाहे हारें, उसके बाद फिर वो अगले ही चुनाव के वक्त नजर आते हैं। और ये बात बड़े बड़े नेताओं के बारे में भी कही जाती है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे BJP के हो, चाहे तमाम दूसरे पार्टी के नेताओं के बारे में। एक जो मिथक बना हुआ है एक नौजवान नेता होने के नाते, कैसे तोड़ेंगे इस मिथक को? देखिए, ये मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं और मैं स्वीकार करता हूं ये बात कि मैंने खुद भी अपने छोटे जीवन के कार्यकाल में कई नेताओं को ऐसे करता देखा है। पर आज मैं अपने परिप्रेक्ष्य में ये बात कहना चाहूंगा कि मैं तो एक नौकरी, अच्छी खासी जीवन सेटल नौकरी छोड़ के यहां आया हूं, अब मुझे देहरादून में ही रहना है, और मेरे लिए तो ये चुनाव एक उपचुनाव है। 2014 का हमारे सामने दूसरा चुनाव है, और 2014 में जो मुझे वोट मांगनी है, जिसके लिए मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि वो मुझे मेरे कार्य के लिए वोट दें, ना कि किसी और कारण से वोट दिया जाए। तो मैं अपने लिए तो बहुत ही आपको ये आश्वासन दिला सकता हूं कि 2014 तक साकेत बहुगुणा को आप टहरी की जनता के बीच में ही पाएंगे, यहां से जाया हुआ नहीं पाएंगे जी।
यानी आप ये कह रहे हैं कि 2014 तक साकेत बहुगुणा एक सिद्धहस्त नेता के तौर पे रम जाएगा और देहरादून टिहरी से लेके दिल्ली तक धूम मचा देगा, ये कहना है मतलब विचारों के जरिए। नहीं, धूम नहीं मचा दूंगा, मेरी कोशिश रहेगी, चेष्टा रहेगी कि जो वादे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किए हैं, जो वादे मेरे पिताजी ने क्षेत्र की जनता के लिए किए थे, मैं उन वादों को पूरा कर सकूं। क्योंकि मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि पिताजी को जो आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी सोनिया गांधी जी ने दी, इस क्षेत्र का, इस राज्य का, सूबे का मुखिया बना के, वो टिहरी की जनता का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने उनको वहां से 2 बार सांसद बनाया है। तो जब आज परिवार को मौका मिला है कि वो कुछ टिहरी की जनता के लिए करे, तो आज हमें पीछे हटना शोभा नहीं देता। और मैं उसी इरादे से यहां पर आया हूं कि टिहरी में जो सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमों है, जो वहां पे विकास हो सके, जो पिछड़ी जनता को हम कुछ भी किसी भी प्रकार का फायदा पहुंचा सके, वो मेरी पूरी चेष्टा रहेगी जी। सितारगंज में 12 बरस के उत्तराखंड के इतिहास में आपके पिताजी ने, मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी ने 40,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करके अभी तक का सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड बनाया है। टिहरी से आपकी उम्मीदें क्या हैं? रिकॉर्ड कोई नया बनाएंगे? मैं देखिए बार बार ये हर जगह ये बात बोलता हूं कि मुझे स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी और विजय बहुगुणा जी के कद के सामने ना तौला जाए। मेरा अभी पहली इनिंग्स है, मैं कोई रिकॉर्ड यहां नहीं बनाने आया हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे यहां से लोगों का आशीर्वाद मिले, मेरी माताओं का, बहनों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का, और जो मुझे मौका मिलेगा तो मैं कुछ कर दिखाने की इच्छा से आया हूं, और वो अगर मौका मिला तो कुछ करके दिखाऊंगा जरूर। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि उतने कड़े मापदंड पे मुझे ना तौला जाए, क्योंकि वो जो लोग हैं उनका कद मेरे से बहुत बड़ा रहा है, यदि मैं उनका 10% भी कर पाया तो अपने आप को सफल समझूंगा। आपकी जो साफगोई है, जो सरलता है, शायद ये मुझे लगता है आपकी यूएसपी है, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद, ये मेरी यूएसपी नहीं है, ये सच्चाई है जी। नहीं देखिए क्या होता है ना, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक ऐसा यूएसपी होता है जिसके तहत वो पॉपुलर होता है, उसको क्रेडिट मिलता है या वो डिसक्रेडिट होता है। तो आपकी जो पॉपुलरिटी है, आपको जो लोग पसंद कर रहे हैं, वो आप जिस परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं ये तो है ही, लेकिन आपके चेहरे पर, आपकी बातचीत में, जब आप बोलते हैं चीजों को, जब आप डिलीवरी करते हैं अपने अपने डायलॉग्स के, अपने शब्दों की, तो कहीं ना कहीं एक ईमानदारी, एक साफगोई नजर आती है, एक स्पष्टता नजर आती है, एक विजन नजर आता है, अभाव नहीं है उसका, गोल गोल कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती, शायद ये यूएसपी आपकी, आप मानते हैं? नहीं देखिए, मैं यूएसपी तो नहीं कहूंगा, पर ये मेरी अपनी सोच है कि मैं जहां तक हो सके, देखिए जनता को भ्रमित करने से कोई फायदा नहीं होता, ये बहुत छोटी पद की राजनीति होती है, और जनता बहुत जल्दी आज जागरूक है। उत्तराखंड की जनता तो बहुत शिक्षित है, आप आज कोई भी गलत वादा करें, आज कोई भी झूठी चीज उनसे बोलें, वो बहुत एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है, और मेरी जो उम्र है वो आज कोई शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स की नहीं है, ना ही मेरा एजेंडा या कोई गोल शॉर्ट टर्म है। मैं यहां पर आया हूं और मैं चाहूंगा कि यहां के लोग मुझको मौका दें, यहां के युवा मेरे साथ जुड़े, यहां की महिलाओं का आशीर्वाद मिले, ताकि हम कुछ कर सकें। बहुत अच्छी बात, इसलिए मैं किसी को भी कोई भ्रमित प्रचार में नहीं रखना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। दो आखिरी सवाल आपसे। पहला सवाल ये कि आपके जो विरोधी महारानी हैं, राज परिवार है, इस चुनाव के मुतालिक राजनीतिक तौर पर कोई मैसेज उनको? नहीं, राजनीतिक तौर पर तो देखिए कोई मैसेज मेरी व्यक्तिगत उनको नहीं है, पर मैं हाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने अभी तक किसी भी, ना अखबार में ना किसी चैनल में उनका कोई विजन सुना है। मैंने आज तक ये नहीं सुना कि यदि वो चुनी जाती हैं तो उनका क्या वो 16 महीने में करेंगी, खास तौर से जब सेंटर और स्टेट में दोनों जगह भाजपा की सरकार है नहीं, हमारे कांग्रेस की सरकार है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं उनसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि जब संसद चल रहा था, जब संसद का सत्र चल रहा था, तो भाजपा के सारे नेताओं, आपने देखा होगा कि एक वोट लेके बहिष्कार कर रहे थे संसद का। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप संसद का बहिष्कार ही करते हैं, आप सामूहिक इस्तीफे देने की बातें करते हैं, तो आज क्यों आप देश में और प्रदेश में यहां जनता का और अपना पैसा और समय पर बात कर रहे हैं? ठीक बात है। तो आप मुझे एक मौका दीजिए, 16 महीने का जो समय है इसमें हम कुछ कार्य कर लेंगे। हमें कोई धरना देने से कोई क्षेत्र का कभी किसी भी धरने में मैं यकीन नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि पब्लिक मनी वेस्ट होता है और जो जिस कार्य के लिए हमें चुना जाता है वो कार्य नहीं कर पाते जी। साकेत, एक चीज और, आपके आने से आज मंच पर चाहे हरीश रावत हों, सुबोध उनियाल जी हों, मातवर सिंह कंडारी आए हैं, चाहे तमाम दूसरे बड़े नेता हों, इन सब को एक साथ एक मंच पर देखकर बड़ी सुखद अनुभूति हुई, इस लिहाज से कि अब चलो कुछ वक्त के लिए ही सही, कांग्रेस की तू तू मैं अंतर करे, सिर्फ टहल बयानबाजी वो तो थमी,
इसका श्रेय आप लेते हैं? नहीं देखिए, मैं श्रेय लेने में तो काफी छोटा नेता हूं, छोटा क्या पार्टी का भी नया कार्यकर्ता ही कहूंगा। आपकी तारीफों के कसीदे बहुत गढ़े गए। ये उनका प्यार है, जैसे मैंने कहा उसमें से आदेश नेता मेरे चाचा रहे या ताऊ हैं, मैं बचपन के उनसे साथ रहा हूं, तो वो मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूं कि यदि उन सबका आशीर्वाद मुझे चुनाव लड़ने से पहले प्राप्त न होता तो मैं चुनाव लड़ने भी ना आता। तो मैं कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट करता हूं जो मेरे साथ रहे और जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। जी, आखिरी सवाल, अपने क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की जनता से अगर आप कुछ अपील करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो? मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि एक युवा आपके बीच आया है जो पूरी कोशिश करेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो करूं। यहां पे जो समस्याएं हैं मैंने देखी हैं, बहुत समस्याएं हैं, और आज सौभाग्य की बात है कि केंद्र में और राज्य में हमारी सरकार है। तो आप मुझे 16 माह का समय दीजिए, ये सेमीफाइनल है, जब लोकसभा का जनरल चुनाव होगा 2014 में, तब तक मैं आपको अपनी काबिलियत, अपने कुछ कार्य करने की जो मेरे अंदर क्षमता है वो करके दिखा चुका हूंगा। जी साकेत बगुणा जी, बहुत धन्यवाद आपका समाचार प्लस के देहरादून स्थित स्टूडियोज में आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी आपसे ये मेल मुलाकात, ये भेंट यूं ही होती रहेगी, आप यूं ही हमें मिलते रहेंगे, हमारे स्टूडियो आते रहेंगे, जनता से अपनी राय बेबाकी से, ईमानदारी से, इसी तरह से बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। धन्यवाद अतुल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता जनार्दन का भी बहुत धन्यवाद इस विशेष पेशकश में साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया, साकेत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस विशेष बुलेटिन में भी अभी इतना ही। नमस्कार। It's Meeta, it's magic, it's Meeta, it's magic, it's Meeta, it's magic. Meeta Magic from BossBoss. It's Meeta, it's magic. India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. Hi. कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ, आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दामे, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 260,000 रुपए प्रति किलो रूप केवड़ा। रजनीगंधा। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा संकट में कड़े फैसले करने पड़ते हैं, बहकाने वालों के बहकावे में ना आए। यूपीए सरकार से तृणमूल ने नाता तोड़ा, ममता के 6 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, एफजीआई पर संसद में वोटिंग कराने की मांग। आगरा से आ रही है एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर। युवक की मौत के बाद आगरा में हंगामा हुआ और पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। ताजव्यू होटल के सामने हिंसक प्रदर्शन किया गया और इसके बाद
पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए वहां पर हवाई फायरिंग की है। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से, युवक की मौत को लेकर हुआ ये सारा बवाल, जिसके बाद हंगामा हुआ और इस हंगामे के बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगरा से आ रही है युवक।